कतरास थाना क्षेत्र के निचितपुर सिंह बस्ती के लखी नारायण स्वर्णकार को पड़ोसी नंदू महतो व उसके पुत्र जयराम महतो ने रड से मारकर घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया। घायल अवस्था में कतरास थाना गया, जहां पुलिस ने घायल को इलाज के लिए निचितपुर अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल श्री स्वर्णकार ने बताया कि उसका पड़ोसी बॉस से बिजली तार को हिला रहा था। उसने कहा कि काफ़ी गर्मी है, मिस्त्री बुलाकर लाइन ठीक करा लीजिए, नहीं तो तार टूट गया तो सभी को इस भीषण गर्मी में काफ़ी दिक्कत होगी। तभी जय ने पीछे से रड से मेरे सर पर मार दिया। श्री स्वर्णकार ने बताया कि घटना के बाद अभी तक पुलिस द्वारा उसका बयान नहीं लेना संदेह उत्पन्न करता है। घटना के बाद कतरास पुलिस को लिखित शिकायत भी दी, पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बिजली का एक पोल है, इस पोल पे आकर तार पे बांस मार रहा था, बांस मार रहा था तो उसको मना किया कि भाई बांस क्यों मार रहे हो, गर्मी का दिन है, बोला मेरा लाइन खराब है, बोला लाइन खराब है तो लाइन मिस्त्री को बुलवा बनवा दो, क्योंकि गर्मी दिन एक लाइन खराब के चलते तो दस को लाइन खराब करते हैं, और लाइन खराब होगा तो हम लोग भी परेशानी में पड़ जाएंगे, बिजली नहीं रहेगा तो उसे गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने लगा तो नीचे जाकर उसको समझा बुझा रहे थे, जब तक समझा ही रहे थे तब तक क्या किया कि उसका बेटा आके पीछे से रट लेके पीछे से हमको चोर से रट से मार दिया, पीछे कपार फट गया मेरा। प्रशासन पर लिखित शिकायत किए हैं, उसके बाद प्रशासन पास गया, जब बोले प्रशासन आया हमको हॉस्पिटल लेके आया, प्रशासन हॉस्पिटल में आके दवा ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद उनको लेके गया पकड़ के। फिर आपके साथ कौन मारपीट किया, क्या नाम है उनका? मेरा साथ मारपीट किया नंदू और जय, नंदू का बेटा जय। क्या आपको जान मारने के मकसद से हमला किया गया? ये नहीं कह सकते हैं कि जान मारने के मकसद से हो, चाहे तार मना किया उसके बिजली तार टूटने उसके मकसद से हो, नहीं रड से मार के सब कर दिया। अब क्या आप मांग कर रहे हैं प्रशासन से? तबीयत मेरा खराब है, घर पर एक ही आदमी है, मैं इस तरह से वह प्रशासन को गिरफ्तार कर कुछ हो जाएगा, नहीं तो क्या आज से कुछ पहले तो घर से ऐसा हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? मैं लक्ष्मी नारायण स्वामी का।